सीयूसीटी 2022 कार्ड्स पर है, पर सीयूसीटी के आने के बाद स्टूडेंट लाइफ पे क्या इम्पैक्ट एग्जैक्टली आने वाला है, हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू चेंज आफ्टर सीयूसीटी 2022 इम्प्लीमेंटेशन, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड ऑफ सुपरग्रैड्स. Good evening and a very warm welcome each and everyone on Supergrads YouTube channel. Now let's learn about the recent update around CUCT 2022. आप सब ने recently newspapers में पढ़ा होगा कि योगेश सिंह, who is Vice Chancellor of University of Delhi, has clearly stated that Delhi University is going to have CUCT from next year, no alternative examination. This clears that there will not be an alternate exam called DUCT. Delhi University Common Entrance Test इस साल नहीं होने वाला, बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज सिंगल एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट. सो देयर विल बी सिंगल एग्जाम, दैट क्लियरली इंडिकेट्स दैट सिंगल एग्जाम सिंगल स्कोर कार्ड फॉर्मूला इज गोइंग टू वर्क फ्रॉम ईयर 2022 फॉर ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज. सीयूसीटी 2022 के आने के बाद बहुत सारी चीजें जो हो रही थी और जिनका इंपैक्ट आ रहा था सोसाइटी के ऊपर, वो सब बंद होने वाली है. पॉइंट बाय पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कौन सी चीजें बिल्कुल खत्म हो जाएंगी जैसे सीयूसीटी 2022 आ रहा है. तो सबसे पहले रेट रेस फॉर द कट ऑफ, इट वॉज क्वाइट ऑब्जर्व्ड दैट बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे परसेंटेजेस लेके आ रहे थे बोर्ड एग्जामिनेशंस में अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, बट मेजॉरिटी ऑफ देम यूज टू गेट डिसहार्टेंड बिकॉज ऑफ वेरी हाई कट ऑफ. एंड टू योर सरप्राइज एक इंसिडेंस में कोट करूंगा 2019 का, जिसमें एक बहुत पॉपुलर कॉलेज के एक बहुत पॉपुलर कोर्स के लिए फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट का 100% कट ऑफ जाता है, जिसने बहुत ज्यादा डिसहार्मनी क्रिएट कर दी थी स्टूडेंट माइंड्स में. एंड बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग सीयूसीटी 2022 का आना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि अच्छे परसेंटेजेस लाने के बावजूद स्टूडेंट्स को अगर उनका ड्रीम कॉलेज नहीं मिल रहा, इट मींस देयर इज सम काइंड ऑफ फ्लॉ इन द सिस्टम. इसको आंसर कर रहा है सीयूसीटी 2022. सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2022 के आने के बाद बोर्ड एग्जाम बायस जो अभी तक स्टूडेंट्स के बीच में हो रहा था, उस वो भी कंप्लीटली खत्म होने वाला है. बोर्ड एग्जाम बायस के अंडर तीन डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ रही थी. सबसे पहला परसेंटेज परसेंटाइल इशू. अभी परसेंटेज परसेंटाइल इशू क्या है इसको समझते हैं. हर बोर्ड की मार्किंग स्कीम्स अलग रहती हैं, तो इसकी वजह से हर जगह परसेंटेजेस सेम नहीं हो सकती. एक पर्टिकुलर बोर्ड के 99% मार्क्स हो सकता है कि किसी दूसरे बोर्ड के 95% मार्क्स के इक्वल हो, लेकिन क्योंकि दोनों बोर्ड्स अपनी परसेंटाइल्स जाहिर नहीं करते इन द मार्कशीट, इसकी वजह से जो स्टूडेंट जिसके परसेंटेज भले ज्यादा हो लेकिन परसेंटाइल कम हो, उसको चांस मिल जा रहा था किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने का, और जो डिजर्विंग कैंडिडेट था वो रह जा रहा था. ये इशू खत्म हो जाएगा. सेकंड, सिलेबस जो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं बोर्ड्स वो भी काफी डिफरेंट है, तो हर बोर्ड में कहीं पर लोड स्टूडेंट्स के ऊपर ज्यादा है, कहीं कम है, तो मार्किंग स्कीम भी पूरी तरीके से जस्टिफाई नहीं होती अगर वो डिफरेंट बोर्ड्स में पढ़ रहे हैं तो. थर्ड, लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द एग्जामिनेशन. सो जो एग्जामिनेशन आप लिख रहे हैं, हो सकता है किसी बोर्ड में बहुत टफ हो और कहीं पर इजी लेवल ऑफ डिफिकल्टी के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हो, तो ये भी जस्टिफाई नहीं करता कि आप एक बोर्ड से हैं और दूसरे बोर्ड के हैं तो किसी भी स्टूडेंट को एडमिशन मिल सकती है, नॉट लुकिंग इन टू द लेवल ऑफ डिफिकल्टी. CUCT 2022 सब्जेक्टिव मार्किंग स्कीम को भी खत्म करने वाला है. तो अभी तक बोर्ड एग्जाम्स में आप जितने पेपर्स दे रहे थे उनमें सब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस भी काफी हो रहे थे, और सब्जेक्टिव एग्जाम के साथ एक डिफिकल्टी ये होती है कि एक टीचर अलग तरीके से मार्क्स देता है, दूसरा टीचर अलग तरीके से मार्क्स देता है. बट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसकी असेसमेंट एक ह्यूमन नहीं करेगा बल्कि कंप्यूटर करेगा, और कंप्यूटर ही मार्क्स देगा स्टूडेंट्स को. तो सारे के सारे स्टूडेंट्स के साथ जो सब्जेक्टिव मार्किंग बायस हो रहा था पहले, वो कंप्लीटली खत्म होने वाला है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आने के बाद. कहा जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे कॉलेज में आज के टाइम पढ़ाई कर रहे हैं पर उतने डिजर्विंग नहीं है, क्योंकि उनकी रोट लर्निंग बहुत स्ट्रांग है. तो मतलब रट्टा लगाना उनको बहुत अच्छी तरीके से आता है, जिसकी वजह से सब्जेक्टिव एग्जाम में वो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं. बट अब रोट लर्निंग को भी
कंप्लीटली स्टॉप करने वाला है सीयूसीटी 2022 और ओनली इंटेलेक्ट इज गोइंग टू गेट वैल्यू नाउ। सो एमसीक्यू बेस्ड पेपर होने वाला है जहां पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत कम है। इसकी वजह से रोट लर्निंग के थ्रू कोई स्टूडेंट उस एग्जाम को पास नहीं कर पाएगा। अब तक हमने जिन बातों के बारे में बात करी उनका एंड करने वाला है सीयूसीटी, बट उसके साथ साथ कुछ बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी क्रिएट करने वाला है पूरे के पूरे इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर। सबसे पहले सिंगल एग्जाम एंड सिंगल स्कोर बोर्ड का कंसेप्ट लेके आने वाला है सीयूसीटी। अब आपको मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंसेस के लिए अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मल्टीपल एंट्रेंसेस होने ही नहीं वाले। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डेफिनेटली बोर्ड्स का स्कोर एक्सेप्ट कर रहा था, पर उसके साथ साथ आपको जामिया मिलिया इस्लामिया, बीएचयू जैसे काफी सारे एंट्रेंसेस पहले भी लिखने पड़ते थे, पर अब आप एक एंट्रेंस लिखने के बाद मल्टीपल यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हैं और सिंगल स्कोर कार्ड ही वैलिड रहेगा। कुछ और पॉजिटिव चेंजेस की अगर बात की जाए तो एप्टीट्यूड अब फोकस स्कूल टाइम से ही रहेगा। स्टूडेंट्स एप्टीट्यूड रिलेटेड स्टडी स्कूल टाइम से ही करेंगे और एप्टीट्यूड रिलेटेड स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो स्टूडेंट का इंटेलेक्ट इंक्रीज करती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज करती है, उसका कॉम्प्रिहेंशन लेवल इंक्रीज करती है और एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन अब स्टूडेंट्स स्कूल टाइम से ही चालू कर देंगे। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज अपने लेवल को साल दर साल इंप्रूव करेंगी। अब वो कैसे वो भी समझते हैं। एक कॉलेज काउंसलिंग काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट अगर कहीं पे भी हो जाती है तो कॉलेजेस अपने आप को डेफिनेटली इंप्रूव करते हैं। सीयूसीटी एक यूनिवर्सिटीज के बीच कॉलेज काउंसलिंग के जैसी सिचुएशन क्रिएट करने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बेस्ट यूनिवर्सिटीज में पहले दाखिला लेंगे और सेकंड में बाद में तो कट ऑफ यूनिवर्सिटीज के अलग अलग होने वाले हैं, जिसकी वजह से एक इंटरनल कॉम्पिटिशन क्रिएट होगा सारी यूनिवर्सिटीज के बीच में और यूनिवर्सिटीज अपने आप को इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे, एकेडमिक लेवल पे, डिलीवरेबल लेवल पे हर जगह इंप्रूव करने की कोशिश करेंगी और शिक्षा का स्तर बेहतर होता जाएगा साल दर साल। एक बहुत अच्छा चेंज आने वाला है और ये पॉजिटिव चेंज ये आएगा कि पॉपुलैरिटी ऑफ नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज इज गोइंग टू इंक्रीज। सो कॉमर्स, इकोनॉमिक्स जो कि लुक्ड अप टू कोर्सेज थे सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटीज में, अब विल बी लुक्ड अप बाय एंटायर इंडिया। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। अभी जितने भी एंट्रेंसेस हैं इंडिया में, चाहे वो जब प्रोफेशनल कोर्सेज की बात की जाए तो मेडिकल हुआ या इंजीनियरिंग हुआ, वहां पे एंट्रेंस टेस्ट पहले से ही थे, तो इन पर्टिकुलर कोर्सेज की वैल्यू बढ़ती गई साल दर साल। कोई भी एंट्रेंस टेस्ट डेफिनेटली उस पर्टिकुलर कोर्स की वैल्यू बढ़ाता है क्योंकि बेटर से बेटर स्टूडेंट्स को बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिलता है एंट्रेंस एग्जाम लिखने के बाद। अब क्योंकि पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे और पर्टिकुलर एरिया के पार्टिसिपेट नहीं करने वाले एक पर्टिकुलर एंट्रेंस के लिए, तो जितने कोर्सेस हैं, जितने नॉन प्रोफेशनल कोर्सेस हैं, उनकी वैल्यू बढ़ने वाली है आने वाले टाइम में और एंट्रेंस एग्जाम क्रिएट करने वाला है पॉपुलैरिटी इन सारी कोर्सेज की भी। इसके अलावा आने वाली यूनिवर्सिटीज, जो बाकी यूनिवर्सिटीज हैं जो अब तक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा रही हैं, वो भी इस ट्रेंड को फॉलो डेफिनेटली करेंगी और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बाद कहा जा सकता है कि जितनी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई हो, पुणे हो, चेन्नई हो एंड तमाम इंडिया की यूनिवर्सिटीज हो, वो आने वाले टाइम में खुद एक एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाएंगी क्योंकि वो ट्रेंड फॉलो होता है। नॉट ओनली दैट, हो सकता है, इट्स सून टू से दिस, बट हो सकता है कि एक सिंगल एंट्रेंस टेस्ट फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज आने वाले टाइम में इंडिया में हो। हमने अब तक बात करी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने के बाद जो पॉजिटिव चेंजेस होने वाले हैं उनके बारे में, पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पूरे इंडिया में कंडक्ट होने वाला है और इसे कंडक्ट करवाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन को कुछ डेफिनेट चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे सीयूसीटी 2022 की फाइनल अनाउंसमेंट के टाइम पर। वो कौन कौन से वो भी देखते हैं। क्या वेटेज होने वाला है बोर्ड एग्जाम्स का फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस में, इसके बारे में डेफिनेटली मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन को बोलना पड़ेगा। उसके पीछे रीजन ये है कि अगर वेटेज नहीं रहता तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स विल स्विच देयर ब्रेन्स कंप्लीटली फ्रॉम बोर्ड एग्जामिनेशंस टू एन एंट्रेंस टेस्ट। व्हाट इज गोइंग टू बी द फेट ऑफ प्रोफेशनल एग्जाम एंट्रेंसेस, इसका आंसर भी देना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन को।
तो DUET जैसे एग्जाम्स या दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइंट एडमिशन जैसे एग्जाम्स का आने वाले टाइम में फिट क्या होने वाला है, क्या वो CUCT के साथ मर्ज हो जाएंगे, नहीं तो अलग से रहेंगे जैसे होते आए रहे हैं वैसे ही रहेंगे, इसके ऊपर भी एक स्टैंड लेना होगा मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन को. नॉट ओनली दैट, हाउ विल स्टूडेंट स्विच फ्रॉम वन स्ट्रीम टू अनदर. सबसे बड़ी डिफिकल्टी यहां पर यह रहेगी कि अगर आपने 11th 12th में कोई सब्जेक्ट पढ़ा है और 12th के बाद अगर स्ट्रीम स्विच करना चाहते हैं तो उसके पैरामीटर्स क्या होने वाले हैं, इसको भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा फाइनल मोडालिटीज के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन को. वॉट विल बी पैरामीटर्स फॉर ड्रॉप ईयर स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने ड्रॉप लिया है उनके लिए पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं और कितने डिफरेंट हो सकते हैं उन स्टूडेंट्स से जो कि अभी करंटली स्टडी कर रहे हैं स्टैंडर्ड 12th में, इसके ऊपर भी डेफिनेटली मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन को कुछ पैरामीटर्स लिखने होंगे. एंटायर कॉलेज सिलेक्शन काउंसलिंग प्रोसेस हैज टू बी डिफाइंड. जब फाइनली रिजल्ट आ जाएगा CUCET 2022 का, उसके बाद किस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं, किन कोर्सेज को टारगेट करना चाहते हैं, ये काउंसलिंग की प्रोसेस कैसे होने वाली है, इसकी लिटिगिटीज क्या है, ये भी बताना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन को. तो ये कुछ चैलेंजेस थे. आई एम क्वाइट श्योर मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन इन पे वर्क कर रही होगी एंड दे विल डेफिनेटली कम अप विद फाइनल मोडालिटीज ऑन दीज चैलेंजेस एंड फाइनली स्टूडेंट्स विल बी फीलिंग क्वाइट रिलैक्स विद द पॉजिटिव चेंजेस that are going to happen after CUCET 2022. Thanks for patiently listening. Subscribe Supergrad's YouTube channel. Like this video if you've really liked it from the heart. Follow us on Telegram, Instagram, and also check us on Discord. A new channel of Discord of Supergrad's has recently started. Thank you.